सो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारा जो रूम्स है, जो क्लासरूम्स है, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सारे टाइल्स वगैरह जो भी टूट चुकी थी उन्हें सब रिपेयरिंग हो चुकी है, सारे तरीके से सब लग चुके हैं। ये अर्जेंट हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं पूरी साफ सफाई में, और क्योंकि तो पूरा साफ सफाई किया जा रहा है, क्योंकि तो आज ही दिन हमारा टेबल आने वाला है। आज के दिन पूरी जो हमारा हमने टेबल बनवाया था, मेज बनवाया था, सब पढ़ने के लिए, पढ़ाने बैठने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, वो सारा टेबल से बन के रेडी हो चुका है, जो कि आज ही आने का उसका डेट है। तो इसकी वजह से हम लोग पूरे क्लास को पूरी तरीके से धो रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग टेबल को आराम से उसको हम लोग सेट कर सकें, और ताकि हमको फिर बाद में सफाई करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टेबल रखा जाएगा तो सफाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिए हम लोग पहले से इसको हर चीज़ें रेडी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं पूरा दीवार वगैरह हमने फिर से रिन्यू कराया हुआ है, फिर सबसे फिर से हमने उसको पूरा पेंट करा करके काफ़ी अच्छा तरीके से इसको कलर में बनवा दिया। और पहले जो कलर था वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसकी वजह से हमने इसको व्हाइट कलर में करवाया, ताकि हम लोग कोई भी लाइट जलाएं तो उसका एक अलग से ही अट्रैक्शन पड़े, और हमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएँ वो अच्छी तरीके से वहाँ पर दिखें। तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर उस वाल पर हम लोग व्हाइट बोर्ड लगाने वाले हैं, जिस पर हम लोग काफ़ी बड़ा व्हाइट बोर्ड लगाने वाले हैं, और उसके ऊपर ही हमारी LCD TV लगाने की तैयारी है, कि हम लोग उसके ऊपर ही LCD TV लगवाएंगे और नीचे पूरा बोर्ड रहेगा, जिस वजह से काफ़ी अच्छा ज़्यादा मतलब वहाँ पे एक व्यू मिलेगा बच्चों को देखने के लिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी वैसे दिखाई देंगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये दीवार, ये जो रूम है, ये थोड़ा ऊंचा है और ये वाला थोड़ा सा डाउन है, तो इसकी वजह से हम लोग पहले से पता नहीं था कि दीवार थोड़ी सी ऊँची है, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो टेबल हमारा एक ही साइज़ का बन चुका है, तो हम लोग इस टेबल को भी उसके हाइट में लेके आने वाले हैं। वाकई मिस्त्री आज ही पूरी तरीके से उसको बिल्डिंग वगैरह करेंगे, तो ये टेबल और ये वाला टेबल और ये वाला इस वाले रूम का टेबल और इस वाले रूम का टेबल पूरी तरीके से एक बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमारे यहाँ विंडो है जहाँ से हमें काफ़ी अच्छी ज़्यादा एक नेचुरल हवा से मिलेगी। और ये दो दरवाजे हैं, एक वो दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है, जिसकी वजह से यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से प्रवेश करेंगे, और हमारा जो टीचर्स का जो एंट्री है वो आ रहा है, बाकी स्टूडेंट यहाँ से सारे आ जाएंगे, बाकी उधर से भी आ जाएंगे, तो इनमें सुविधा पड़ेगी। और ये वाला राउंड पूरा खाली रखने वाले हैं, एक टाइल्स के माध्यम से, एक टाइल्स का पूरा वो जो आप देख सकते हैं, ये एक टाइल्स पूरी जगह खाली रहेगी, सब टेबल हम लोग इधर ही लगाने वाले हैं, ना 6 फुट का हमारा टेबल है, तो ये इधर ही बैठने वाला है, बाकी एक टाइल्स पूरी छूटने वाली है हमारा। और यहाँ पे जो है नल वगैरह यहाँ पे हमारा लगा रहेगा, ताकि हम लोग कभी पानी पीने की या कुछ ज़रूरत हो पानी की, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो पूरी पूरी सफाई में लगे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें मेहनत करना पड़ा इसको जल्दी जल्दी हमको रेडी कराने में, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, हम स्कूल खुलने के काफ़ी करीब में हैं, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स लेने हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंडेशन आ रही हैं कि जल्दी जल्दी सर रेडी कराइए, हमें एडमिशन्स लेना है, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी जल्दी इस काम में लगे हुए हैं कि जल्दी चालू करके फटाफट सेंटर को लॉन्च कर दें, और हम अपनी पढ़ाई पर लग जाए, ताकि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम उनके सिलेबस को और उनके पढ़ाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे लेके चले उनको, और उनको सबसे फास्टर लेवल में कम्प्लीट कर दें, और खूब मेहनत कराएँ, मेहनत भी करें, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाए, उनका भविष्य उज्ज्वल उज्ज्वल बन जाए। तो चलिए गाइस, तो मिलते हैं आपको टेबल लगने के बाद, फिर आपको मैं इस क्लास रूम को पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से उसका लुक आने वाला है। अभी इस क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जो बाकी हैं, बट अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमको मेज वगैरह डलवाने में जल्दी हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग उसका पूरा अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी इसमें बहुत सारी डेकोरेशन होगी, बहुत सारे जो पोस्टर होर्डिंग्स लगेंगे इसके अंदर भी, जो अच्छे अच्छे होर्डिंग्स लगवाने वाले हैं हम लोग, बोर्ड लगवाने वाले हैं, लाइटिंग खूब अच्छी लगने वाली है, फैन लगवाने वाले हैं, तो भी बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं, बट वो हम लोग धीरे धीरे उसको करते रहेंगे, और आपको उसके बारे में मैं आपको भी दिखाता रहूँगा किस तरीके से हमारे क्लास रूम का क्लास अकेडमी का जो क्लासरूम का किस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो ये हमारे जो सब क्लास अकेडमी का जो सेंटर है, ये हमारा पहला सेंटर है जहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं। मैक्सिमम से ज़्यादा मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 मई तक हम लेटर को लॉन्च कर देंगे, उसके बाद इसको हमने चाहा तो हमारा सेंटर से आगे भी हम लॉन्च करने वाले हैं, बट ये हमारा पहला सेंटर है, उस पर हम अपने ही रूम के ऊपर हमारा जो सेकंड फ्लोर है उस पर हमने उसको चालू करना है, जहाँ से हमारे यहाँ पे सब क्लास अकेडमी की शुरुआत हो रही है। तो चलिए गाइस, हम मिलाते हैं आपको अपने जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो 20 तारीख को इसमें पढ़ने आएंगे, बाकी तो पढ़ रहे हैं वो लोग नीचे, हम लोग उनको पढ़ाते ही हैं, बट अभी यहाँ पे उनको बैठने की जो तैयारी करेंगे 20 तारीख से, यहाँ पे वो बैठना शुरू करेंगे और यहाँ पे क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी।
तो चलिए मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट।